16 महीने पीडीएम की हुकूमत इस्तेहकाम लाई। इस्तेहकाम क्या था? खवातीन को घसीटा, घरों में घुसे, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, 3 एनपीओ का बिलादरी का इस्तेमाल किया। इलेक्शन एक्ट में सिर्फ नवाज शरीफ के लिए 233 में इन्होंने अमेंडमेंट की कि जी लाइफ लॉन्ग जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको 5 साल तस्वर किया जाएगा। इन्होंने आर्मी एक्ट में ये कानून मुतारफ करा दिया कि बगैर किसी वारंट के किसी घर में घुस सकते हैं। एक्ट 2023 के एक्ट में अमेंडमेंट किया कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए किसी पर्ची की जरूरत नहीं है। ये है इनके इंसानी हकूक के मयार के कारनामे। इतना दफा शाहरियार अफरीदी पे एमपीओ लगा, ये मुल्क है, ये कानून है, इस तरह अब्यूज होता है। 14 दफा अली मोहम्मद खान को हमारी खवातीन जो जेलों में नजरबंद है, सनम जावेद, रिहा होती हैं और बाहर गिरफ्तार होती हैं। ये कौन सा मुल्क है? किस रियासत में इस तरह होता है? शर्म नहीं आती है इसको मुल्क कहते हुए? कानून और बुनियादी इंसानी हकूक की जो पामाली इन्होंने की है, तारीख में नजीर नहीं।